भदोही में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका से लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। भदोही सांसद रमेश चंद बिंद, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी आयरका अखौरी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल भदोही में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। कोरोना के संभावित तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से ही और बेहतर करने के दिशा निर्देश में प्रशासन के प्रयास अनवरत जारी हैं। महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में शनिवार को दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ सांसद भदोही रमेश चंद बिंद ने विधिवत रूप से किया। पीएम केयर फंड में तैयार हुए इस ऑक्सीजन प्लांट से अब महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गए हैं। सांसद रमेश चंद बिंद, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर के साथ जिलाधिकारी महोदय आयरका अखौरी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के मध्य फीता काट कर प्लांट का शुभारंभ किया। सांसद रमेश चंद बिंद ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी आयरका अखौरी ने बताया कि अस्पताल में ओपीडी भी चालू हो गई है तथा सामान्य रोगी व्यक्ति अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। समाज सेवी एवं जिला प्रशासन द्वारा भदोही वासियों को स्वास्थ्य के प्रति बेहतर से बेहतर इलाज दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और कोविड-19 हेतु ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई निःशुल्क की जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑक्सीजन प्लांट में यदि अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मैं निर्वहन करूंगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक ने जानकारी दी कि भदोही जनपद को कोरोना मुक्त जनपद बना लिया गया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी, जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण तथा राजनीतिक दल के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए भदोही से राजेश जायसवाल जी की रिपोर्ट।